अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे एक वीडियो में डिस्कस किया कि हामिल औरत के साथ बीवी के साथ शोहर जो है वो हम बिस्तरी कर सकता है कि नहीं। इसी से मुतालिक एक और सवाल आया है कि भाई हामिल औरत हो और रात को शोहर हम बिस्तरी करे और उसी रात उनके यहाँ बच्चा पैदा हो जाए और औरत को गुस्ल का वक्त ना मिले, इसके बारे में क्या हुक्म है। देखिए जी, हालत हमल में किसी भी वक्त बीवी से हम बिस्तरी करना जायज़ है। इस पर बड़ी तफसील से मैंने पिछले दर्स में बात की आपसे, और ऑफ कोर्स मेडिकल एडवाइस सीख करें किसी माहिर तबीब या लेडी डॉक्टर से कि प्रेगनेंसी में ऐसा करने से कोई बच्चे या माँ को ख़तरा तो नहीं है। वो बड़ी तफसील से मैंने बात कर ली। अच्छा, इस सूरत हाल की बात करते हैं कि जब बच्चे की विलादत हो गई है कि भाई रात में मियाँ बीवी मिले और बीवी को गुस्ल करने का वक्त नहीं मिला, मौका नहीं मिला और विलादत हो गई, तो अब वो गुस्ल तो करेगी नहीं, तो फिर उसके मामले में क्या होगा। तो देखें, औरत जब डिलीवरी कर देती है, बच्चा पैदा हो जाता है, तो वो हालत निफास में होती है, उसके निफास के अय्याम शुरू हो जाते हैं और निफास के अय्याम ख़त्म होने के बाद ही औरत पर गुस्ल होगा जो जिससे वो पाक होगी। देखें, निफास के दौरान औरत नहा सकती है, उसके नहाने धोने पर पाबंदी नहीं है। ये भी बड़ा एक मुगालता है, लोग समझते हैं नहाएगी नहीं तो वो 40-40 दिन तक ऐसा थोड़ी है कि नहाएगी नहीं, गंदी थोड़ी रहेगी। वो नहा सकती है लेकिन वो नहाना उसको पाक नहीं करेगा, वो इबादत नहीं कर सकती उस तरह जिस तरह के एक पाक औरत करती है। वो उस पर मैं तफसील से आपसे पहले बात कर चुका हूँ कि हालत निफास में क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। तो खैर, बहरहाल ये जो सवाल आया था तो इसका मुख्तसरन यही जवाब, वल्लाहु आलम बिस्सवाब। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बेल के आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट मिल सके और आप हमें हमारे लाइव सेशंस में भी ज्वाइन कर सकें। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें।